हेलो एंड वेलकम टू रेजन बाजार। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो है डिफरेंस बिटवीन 2:1 एंड 3:1 रेजन। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली ये दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं। सो ये जो आप ब्लू वाला रेजन देख रहे हो, दिस इज अ रेजन पैक ऑफ टू थिंग्स। एक रेजन होता है, एक हार्डनर होता है, सबने देखा है। एक सेट जो है उसमें दो बॉटल्स होती हैं। ये बेसिकली हमारा 2:1 रेजन है। इससे आप क्या क्या बना सकते हो, जैसे आप ये देख रहे हो वेलकम की नेम प्लेट। सो आप किसी भी चीज के ऊपर, चाहे वो MDF है चाहे वो वुड है, उसके ऊपर अगर आपको कोटिंग करना है, उसके ऊपर अगर आपको रेजिन का काम करना है, तो आप 2:1 रेजिन यूज करोगे। जैसे हमने ये MDF के ऊपर नेम प्लेट बनाया है, ठीक है। अगर आपको किसी सिलिकॉन मोल्ड में काम करना है, तो उसके लिए हमारा फिर 3:1 का रेजिन पैक है। जैसे ये सिलिकॉन मोल्ड है जो आप देख पा रहे हो, डैट इज बेसिकली अ क्लॉक मोल्ड। उस पर अगर आपको काम करना है, फॉर दैट इज ये पिंक वाला 3:1 रेजिन, राइट। अभी इससे आप पीछे आप हमारा फाइनल प्रोडक्ट देख सकते हो जो हमने बनाया है। जैसे हमने ये वरमाला के फ्लावर्स किसी के प्रिजर्व किए हैं, ये हमने बेसिकली मोल्ड में रेजिन को पोर किया है, विच इज आर 3:1 पिंक वाला रेजिन, राइट। सो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मोल्ड के साथ यूज करना है या फिर कंप्लीटली रेजिन की कोई चीज बनानी है, तो आप 3:1 रेजिन यूज करोगे। अगर आपको MDF वुड एक्रेलिक या फिर ग्लास के ऊपर कुछ काम करना है, तो उसके लिए आप 2:1 रेजिन यूज करोगे। सो 2:1 ब्लू कलर, 3:1 पिंक कलर, वेरी सिंपल। और आप इससे बहुत ही अमेजिंग रेजन आर्ट प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। हमारी खुद की वेबसाइट है resinbazaar.net, जिससे आप प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं एट वेरी होलसेल प्राइजेस, एंड डिलीवरी इज अवेलेबल पैन इंडिया। थैंक यू।